हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे केवीएस वैकेंसीज के बारे में। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जो वैकेंसी चार्ट नोटिफिकेशन आया है उसको कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए अवेलेबल है उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टीचिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड और उसके साथ साथ नॉन टीचिंग जैसे अकाउंटेंट और क्लर्क्स की भी हम आपको वैकेंसीज अपडेट देते रहते हैं। तो चलते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर जिसमें केवीएस वैकेंसी चार्ट दिया हुआ है कि इन फ्यूचर आपकी कितनी केवीएस वैकेंसी निकलेंगी, क्योंकि इसके बारे में पहले हमने आपको इन्फॉर्म किया था। बट कई स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैम चार्ट नहीं मिल रहा है, तो उस चार्ट को हमने इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया है। तो ये है वैकेंसी चार्ट जिसमें कि केवीएस ने ये मांगा था कि आपके, क्योंकि केवीएस की बहुत सारी ब्रांचेज है तो हर एक ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं, तो सबसे अपडेट मांगी थी और उन सबको टोटल्स कितनी आई हैं ये वैकेंट पोस्ट ओनली फॉर क्लियर वैकेंसीज। तो उस टाइम तक यानी कि 13 सितंबर तक ये पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिएगा, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन बायोलॉजी की 181 पोस्ट खाली है, पीजीटी केमिस्ट्री की 210, पीजीटी कॉमर्स 49, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 102, पीजीटी इकोनॉमिक्स 138, पीजीटी इंग्लिश 187, पीजीटी ज्योग्राफी 91, पीजीटी हिंदी 236, हिस्ट्री 83, मैथ्स 227, फिजिक्स 141, बायोलॉजी 301, आर्ट 147, इंग्लिश ये टीजीटी की स्टार्ट हो गई है यहाँ से फिजिक्स से, उसके बाद टीजीटी इंग्लिश 478, टीजीटी हिंदी 454, टीजीटी मैथ 456, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन 311, टीजीटी संस्कृत 310, टीजीटी सोशल स्टडी 452, वर्क एक्सपीरियंस 201, लाइब्रेरियन की 240 एंड प्राइमरी टीचर की 3818, यानी कि 3818, और स्पेशल प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की दी हुई है 198। तो ये टोटल जो है वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन साइट पर डला हुआ था इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसके बेस पर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इससे एक मोटिवेशन मिलेगा आपको तैयारी के लिए कि इतनी वैकेंसी है तो इन फ्यूचर में इन वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, और जब भी इनका कोई नोटिफिकेशन हमको प्रोवाइड होता है तो हम आपको ज़रूर उसकी अपडेट प्रोवाइड करवाएंगे। और जो केवीएस का टाइम पीरियड होता है वो हमारे एसटेट के जितना लंबा टाइम पीरियड नहीं होता है, तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ये नहीं कि इसमें 2-3 साल लग जाएंगे आपके और आप उस टाइम पे तैयारी कर पाओगे, जी नहीं। नोटिफिकेशन के तुरंत बाद जल्द ही इनका एग्ज़ाम हो जाता है और जल्द ही रिज़ल्ट आ जाता है, तो जो प्रोसेस है वो इतनी स्लो नहीं होती है। तो इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ज़रूर वैकेंसीज नोटिफिकेशन ज़रूर जल्दी ही आएगा और जब भी आएगा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।